पिता के जाने पर। केदारनाथ सिंह। यह वह जगह थी जहां अंत भी धीरे धीरे घुल जाता है हवा में, और वहीं से उठकर चले गए थे वे अपने जर्जर पैरों से सदी को नापते हुए। उनके जाने के दूसरे दिन सबसे पहले नल में पानी आया सू सू करता हुआ, और यह उनके जाने के बाद की सबसे बड़ी घटना थी जो पृथ्वी पर घटित हुई। फिर अखबार वाला आया और फेंक कर चला गया अखबार सच को जाने बिना। उसका इस तरह जाना उतना ही सहज था जितना सुबह सुबह नल में पानी का आना। फिर अगले दिन डाकिया आया और डाल गया एक चिट्ठी जो उनके नाम थी, और चकित था मैं कि मृत्यु के बाद भी मृत्यु को नकारते हुए आ सकती है कोई चिट्ठी। फिर सातवें दिन कोई पंडित आया और मुझसे कहा गया इस समय वे पहुंचे होंगे स्वर्ग से पहले के उस अंतिम पड़ाव तक जहां भूख और प्यास से चीखती हैं आत्माएं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पर पूछना व्यर्थ था, जानना शायद उससे भी व्यर्थ। सो जो जो कहा गया करता गया मैं, और चढ़ाता रहा हवा में अन्न और जल, दूध और फल, और कहीं एक ही साथ हंसता रहा रोता रहा सारे कर्मकांड पर। जब थे तो बातें कम ही होती थी, चुप मैं ही था, वे तो बोलते ही रहते थे निरंतर चाहे चुप ही बैठे हों। यह क्या होता है आदमी के भीतर कि उसकी चमड़ी के झूलते चले जाने के साथ साथ शब्दों में भरने लगती है अर्थ की चमक, और होठों की पपड़ियों से छन कर आता है जाने वह क्या, एक शिशु के पहले स्तनपान की महक जैसा। इस महक से मेरा परिचय पहली बार तब हुआ जब भरी दोपहरी में मैंने एक दिन उन्हें देखा एक पक्षी से बतियाते हुए। मैं टोकना चाहता था, पर लगा एक पक्षी से बतियाते हुए पिता को टोकना सुंदरता के खिलाफ है, और इसलिए इस घूमती हुई पृथ्वी की गति के खिलाफ भी। इसका सबसे तीखा अनुभव मुझे उस समय हुआ जब मैंने उन्हें मुखाग्नि दी, वही मुख जिसने मुझे चूमा था बार बार। चला दिया मैंने उसे, शास्त्र का आदेश था और मेरे भीतर का संशय, दोनों मिलकर मंत्र पढ़ते।